ये लो रिया। रिया तुम कब आई? अरे परी बेटा, सुबह ही तुम्हारे मामा जी आए थे और रिया को यहाँ छोड़ कर गए। हाँ, और तुम्हें पता है रिया पूरी छुट्टियाँ यहाँ पर ही मनाएगी। क्या सच में? हाँ। तो हम दोनों बहुत मजे करेंगे, है ना? हाँ। चलो अब ना मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है रिया, तुम ये कर। रिया तुम्हें क्या देखना है? मुझे कार्टून देखनी है। ठीक है। चलो रिया अब ना हम जाकर खेलते हैं। हाँ चलो चलो। अब ना मैं गाना लगाती हूँ। हाँ लगाओ। लगा दिया। चलो डांस करते हैं। दीदी नहीं नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डांस करना है। ठीक है दिखा। चलो दीदी हम साथ में करते हैं। हाँ ठीक है चलो। बच्चिया डांस कर रही है। रिया तुम कितना अच्छा डांस करती हो। परी ये क्या तुम्हारा डांस है? रिया कुछ सिखाओ इसे, इसे तो कुछ डांस भी नहीं आता। सीखो जरा कुछ इससे। हाँ ठीक है मम्मी। अरे रिया बेटा तुम कुछ खा ही नहीं रही हो, ये लो। चलो जल्दी से खाना खा लो, पेट भर के खाना। ठीक है मम्मी। हाँ मेरा हाथ पर कुछ लगा है। तुम्हारे हाथ पे कुछ लगा है? कोई बात नहीं रिया, मैं तुम्हें खिला दूंगी। ठीक है मम्मी, मुझे भी डाल दो ना। अरे परी तुम्हारे पास ही तो है, ले लो जल्दी से। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है मैंने। परे बेटा तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम तुम्हारे हाथ से खा सकती हो। और वैसे तुम्हारे हाथ में कुछ लगा नहीं है। ठीक है अरे ये लो। रिया तुम्हें क्या हुआ? ये लो पानी लो, पानी लो, पी लो पी लो पी लो। ये लो खाना। कैसे लगा तुम्हें खाना? टेस्टी है ना? हाँ। रिया ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या है बुआ? नए शूज और ड्रेस। वाओ। ये देखो। वाओ बुआ, इट्स वेरी नाइस। अच्छा लगा तुम्हें? वाओ मम्मा, ये मेरा ड्रेस है ना, इतना अच्छा है। नहीं परी वो रिया का ड्रेस। रिया का ड्रेस है? हाँ। अच्छा मेरे लिए क्या लाया, जल्दी से दे दो मम्मा। अरे परी तुम्हारे पास पहले से इतने सारे शूज और ड्रेस है, तुम वो जाकर पहनो ना। मम्मा मुझे भी नया ड्रेस चाहिए। परी कुछ दिन पहले ही तुम्हारा बर्थडे था तो तुम्हारे लिए मैंने नए ड्रेस और शूज दिए थे। मम्मा मुझे चाहिए। परी जिद मत करो, अब जाओ यहाँ से जाओ। तुम आज ही पहनना ठीक है। Ha 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 ha
मुझे ना अब मेरा फेवरेट शो देखना है। दीदी पर ये आपका फेवरेट कार्टून है। नहीं नहीं अब मुझे ये कार्टून वगैरह नहीं पसंद, मुझे मेरा फेवरेट शो देखना है। और टीवी देखनी है ना तुम्हें तो खुद के घर जाओ और वहाँ पर देख लो। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? रिया ये देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बर्गर लेकर आई हूँ। बर्गर? वाह मम्मी मुझे। अरे परी वो शॉप में एक ही बर्गर था तो मैं रिया के लिए लेकर आई। ठीक है रिया खा लो। दीदी हम शेयर करके खाएंगे। हाँ ठीक है। गुड गर्ल ठीक है खा लो फिर जा। रिया तुम ना केचप लेकर आ, तब तक ना मैं डिवाइड करती हूँ ठीक है। जल्दी से जाओ। वो जल्दी से आ जाएगी तब तक मैं ना खा लेती हूँ ये। दीदी ये ना केचप। हाँ दीदी बर्गर। बर्गर बर्गर तो मेरे पेट में चला गया और वैसे भी वो बर्गर मेरे मम्मी ने मेरे लिए लाया था तुम्हारे लिए नहीं। ये ये कैसा है रिया? It's beautiful. मम्मी आप क्या कर रही हो? अरे वो परी सोच रही हो कि तुम्हारे पुराने कपड़े थे ना वो रिया को दे दी। पर मम्मी ये तो मेरा फेवरेट टॉप है। मेरे पापा को इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद फिर पापा ने मुझे दिया था वो। अरे परी पर वो तुम्हें छोटा हो रहा है, तुम्हारी हाइट बढ़ गई है और तुम भी नहीं पहन। सबसे अच्छा तो रिया पहनेगी। रिया ये कैसा है? वाह ये सुंदर है। हाँ सुंदर है ना मम्मी। ये टॉप तो अब मुझे होता है। अरे परी पर वो रिया को पसंद आ गया है ना और उसे ना भी नहीं बोल सकती, वो हमारी मेहमान है ना तो। अच्छा है ना ये भी रख लो। और इसमें से क्या क्या अच्छा लग रहा है? रिया परी यहाँ पर आ जाओ। क्या हुआ मम्मी? अरे परी मैं सोच रही थी कि हम बाहर घूमने जाए तो बोलो तुम्हें जाना है थीम पार्क या वाटर पार्क? थीम पार्क। वाटर पार्क। पार्क। वाटर पार्क जाना है रिया तुम्हें? तो ठीक है हम वाटर पार्क ही जाएंगे। नहीं मम्मी पर मुझे थीम पार्क जाना। अरे परी रिया को वाटर पार्क जाना है और उसे ना भी नहीं बोल सकती, वो मेहमान है ना हमारी। हाँ तो चलो हम वाटर पार्क ही जाएंगे। ठीक है रिया। रिया जब से घर में आई है ना तब से मम्मी उसकी बात सुनते जा रही है, मेरे को सुनती ही नहीं है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस रिया का। क्या करूं? आइडिया, मैंने एक काम करती हूँ उसे ना घर से बाहर निकाल देती हूँ। चलो जल्दी से। रुको अब देख के तो जाओ। चलो चलो जा, जा। अब ना तुम तुम्हारे घर जाओ। हाँ नहीं दीदी नहीं दीदी ये लो जाओ जाओ। अच्छा हुआ वो चली गई। हाँ भाभी आपको रिया का कुछ पता चला? परी तुम्हें पता है कि रिया कहाँ गई? रिया? हाँ मुझे कैसे मालूम होगा? अरे तुम्हें पता है रिया को पूरा घर ढूंढ लिया, सोसाइटी ढूंढ ली, उसके मम्मी को भी मैंने फोन किया पर रिया मिल ही नहीं रही। पता क्या? नहीं कहाँ चली गई। नहीं मिली। हाँ मुझे पता है वो घर ही चली गई होगी। पर वो घर कैसे जा सकती है, वो कितनी छोटी है और उसे रास्ता भी नहीं पता। परी रास्ता भी नहीं पता? हाँ अब क्या करें? मुझे तो लगता है कि पुलिस कंप्लेंट ही करनी पड़ेगी। पुलिस कंप्लेंट? हाँ और तुम्हें पता है वो चोर भी आ गई है और बच्चों को चुरा के लेकर जाते हैं। ऐसा ना हो मैं पुलिस कंप्लेंट ही करूंगी। मम्मी रिया ठीक होगी ना? अब मुझे भी नहीं पता। मम्मी आपको कुछ तो बताना। हाँ बोलो ना। मैंने रियो को घर से बाहर भेज दिया है। क्या? हाँ तुमने ऐसा किया? हाँ पर क्यों? क्योंकि जब से वो घर में आई है तब से आप उसकी बात सुन रही हो, मेरी बात ही नहीं सुनते हो इसलिए। अरे परी रिया तो हमारी मेहमान है और तुम किसी के घर ऐसे जाओगी और तुम्हारे साथ कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? हाँ मम्मी वो तो है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी मम्मी। और रिया जब घर आएगी ना मैं उसे भी सॉरी बोलूंगी। पक्का सॉरी बोलोगी? हाँ मम्मी। रिया
परी दीदी तुम्हें सॉरी बोल रही है, यहाँ आ जाओ जल्दी। रिया तुम? और मम्मी रिया को तो मैंने घर से बाहर निकाला था। परी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं रिया को फिर से वापस लेकर आई। अच्छा सॉरी रिया। इट्स ओके दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उस बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना, और हम आते हैं एवरी वेडनेसडे एंड संडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।